फ्रूट से बने हुए हैं और क्या बोलते हैं इसको, शाही श्रीमान। शाही श्रीमान जी। ओके ओके, ये श्रीमान जी हैं, ये भैया ने बनाया है और अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। हेलो भैया। हाय जी मैम। भैया ये क्या है? ये शाही श्रीमाल होता है, मैंने ड्राई फ्रूट्स की मीठी रोटी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ड्राई फ्रूट से बना हुआ है। जी मैम। तो गाइस आप देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट से बने हुए हैं और क्या बोलते हैं इसको, शाही श्रीमाल। शाही श्रीमान जी। ओके ओके, ये श्रीमान जी हैं। नहीं नहीं भैया, अच्छा शाही श्रीमाल। हाँ श्रीमाल। हाँ जी सर। तो भैया क्या आप मुझे बताएंगे ये कैसे कैसे आप बनाते हैं? मैडम ये सूजी मैदा बेसन दूध मावा देसी घी ड्राई फ्रूट से तैयार होता है। अच्छा तो ये सबके रेट अलग 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 है, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग रेट है। अच्छा तो अब हम आए हैं सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे कि भैया बना कैसे रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा आप हमें बताएंगे आप कैसे बना रहे हो? अच्छा ये आपके ऑनर है, कोई बात नहीं। भैया बताइए कैसे बना रहे हैं आप? ये मैदा है, मैदा सूजी बेसन का बेस बना हुआ है। अच्छा ये बेसन सूजी मैदा का आपने बेस बनाया है और ये जो आपकी मटेरियल है इसमें सारे पिस्ता बादाम का जो होता है इसमें ओके सारे मिलाया जाता है इस तरीके से, इस पर लगाया जाता है फिर इसे बेलन से बढ़ा दिया जाता है। और शो वाले में फुल पिस्ता बादाम देसी घी है। आप फुल पिस्ता मैडम आपका रेडी हो रहा है शो वाला। ठीक है, इसके अंदर फुल बादाम होता है एंड पिस्ता होता है। पिस्ता ठीक है भैया। फिर तंदूर में जाता है, तंदूर में जाने के बाद घी में डिप किया जाता है। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ तंदूर में ही बन सकता है। और आपने ये स्प्रे क्या क्या घी होता है? गुलाब जल वाटर। अच्छा गुलाब जल वाटर भी करते हैं आप जिससे बादाम अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाए। ओके 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 ओके, तो ये अभी आप 100 वाला बना रहे हैं ना? ये 80 वाला। तो गाइस ये 100 वाला है, अब 100 वाले में देखिए क्या मटेरियल लगता है। और अब ये भैया क्या लगा रहे हैं अब इसके ऊपर? कितने टाइम में आप कितना तैयार कर देते हैं भैया? मैडम ये तो बनते ही रहता है हमारा, एक घंटे में लगभग 200-250 पीस तैयार। ये भैया ने लगाया है पिस्ता, ये हो गया रेडी। ये देखिए गाइस अब ये हो गया रेडी। ठीक है अब तंदूर, ये देखिए गाइस अब ये तंदूर में जा रहा है और अभी अंदर सिक रहा है और ऐसे भैया घी में डिप करते हैं। ये भैया ने बनाया है और अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा भैया। आप मुझे बताएंगे कि इसमें आप तिल का भी बना रहे हैं? तिल बादाम। अच्छा तिल बादाम, अलग अलग है ना? अलग अलग वैरायटी है। ओके तो ये मेन मैदा का है? सूजी मैदा बेसन दूध मावा देसी घी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। और रेट क्या है भैया? मैडम ये 30 रुपीज का है प्लेन, ये 40 का है। ये 40 रुपीज। तिल बादाम 60 का है। ओके ये फुल बादाम देसी घी 80 का है। ओके बादाम पिस्ता देसी घी में 100 रुपीज का है। एक तरह से ये स्वीट हुआ ना, ये लाइट स्वीट होता है सर। लाइट स्वीट। एक ये भी इधर ऑल ड्राई फ्रूट का, डाइट के लिए ठीक है, डाइट वाले भी खा सकते हैं। खा सकते हैं मैडम। काजू बादाम पिस्ता अखरोट तिल, ये 200 का बिल इसका। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये आपने कैसे सीखा है या मतलब? नहीं मैडम पुराना काम है हमारा, ये 21 वर्षों से। जी कितने सालों से कर रहे हैं? 21 वर्षों से मैडम। सॉरी 21 इयर्स। 21 इयर्स से आप कर रहे हैं? जी हमारे पहले भले करते थे बाद में। अच्छा, जी चलिए बहुत अच्छा लगा। 30 रुपए का। अब आप देख सकते हो ये 40 का गाइस, ये अलग अलग वैरायटी की है। और भैया ने ये बनाया है स्पेशली जो कि ये स्वीट भी है और डाइट के लिए भी अच्छा है। चलिए ठीक है भैया, और अच्छा लगा ये बहुत सारी वैरायटी देख के।